हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हमारी रेसिपी है वो है जलेबी, क्योंकि बहुत दिन से हमने कुछ मीठा नहीं बनाया तो मैंने सोचा चलिए आज कुछ मीठा बनाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म जलेबी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी जलेबी बनाना। तो यहाँ पे मैंने एक बोल में एक कटोरी के करीब मैदा जो है वो ले लिया है। इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा, मेरे पास केसरी रंग है खाने वाला, बहुत थोड़ा सा, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको मिला लेंगे। और मैं यहाँ पे बेकिंग सोडा थोड़ा सा हम ऐड करेंगे, लगभग आधी चम्मच से भी कम, तो हम मिला लेंगे। और अब हम इसे पानी ऐड करेंगे। इसे हमें अच्छे से एक बैटर तैयार करना है, बहुत हार्ड नहीं और बहुत पतला सा भी नहीं। इसको हमें पूरा अच्छे से लम्स को मिलाइए, जितना कम हो सके उतना लम कम कर दीजिए, बट ये पूरी तरह से कम नहीं होगा, अभी थोड़े बहुत रहेंगे इसमें। और हमें इसको लगभग आधे घंटे के लिए ऐसे ही रखना है, हमारा मैदा थोड़ा सा फूल जाएगा। तो ये देखिए आधे घंटे हो गए हैं और यहाँ पे हमारा बैटर जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको हम अच्छे से एक बार और मिक्स कर देते हैं और ये हम 5 मिनट के लिए रखते हैं, जब तक हम अपनी चाशनी बना लेते हैं। चाशनी के लिए मैंने एक पैन जो है वो गैस पे रख दिया है और इसमें मैं लगभग आधी कटोरी से ज्यादा चीनी ऐड करूंगी और 1 गिलास पानी। इसमें मैं थोड़े से इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ फ्लेवर और खुशबू के लिए। और हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि इसमें अच्छे से उबाल नहीं आ जाता। तो देखिए हमारी चाशनी जो है वो रिड्यूस होके आधी हो गई है, कलर भी आ गया है इसमें थोड़ा डार्क। तो अभी हम इसको गैस जो है वो बंद कर देते हैं क्योंकि हमारी चाशनी जो है बिल्कुल रेडी हो गई है और हम जलेबियां बनाते हैं। तो जलेबियों के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल डाल के गैस ऑन कर दिया ताकि हमारा तेल गर्म होता रहे। और इधर मैंने एक पॉलिथीन ले ली है, ऐसी आप कोई भी ले सकते हैं आपके घर में जो भी हो। और इसकी मैं 1 गिलास में ऐसे करके और ये बैटर इसमें हम डाल देंगे। काट लेंगे थोड़ा, ज्यादा बड़ा हमें इसे छेद नहीं करना है, छोटा ही काटना है। और हमारा तेल जो है वो गर्म हो गया है, बहुत तेज बिल्कुल हाई फ्लेम पे हमें नहीं रखना वरना हमारी जो जलेबियां है वो ऊपर से बहुत जल्दी जलने लगेंगी। तो हमें मीडियम फ्लेम पे ही गैस रखनी है।
और हमें इसे थोड़ा सिक जाए तो हम इसे पलट लेंगे। और ये हमारी जलेबियाँ बिल्कुल सिक गई हैं बहुत अच्छे से। हमें इसे उठा के चाशनी में डालना है जो हमने यहाँ चाशनी तैयार करी हुई है। जलेबियाँ बना लेनी। तो ये हमारी जलेबियाँ बिल्कुल तैयार हो गई हैं, गर्मा गर्म क्रिस्पी। ये देखिए मैं एक आपको, बहुत ही क्रिस्पी बनी है और इसके अंदर चाशनी बिल्कुल भर गई है। तो अभी हम इसको प्लेट करते हैं। तो हमारी गर्मा गर्म क्रिस्पी जलेबियाँ बिल्कुल रेडी हैं और हम इसे सर्व कर रहे हैं ठंडी ठंडी दही के साथ। और इसके ऊपर मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो स्प्रिंकल कर रही हूँ। बहुत ही सुंदर लग रही हैं और बहुत ही क्रिस्पी हैं। इसे आप एक बार अपने घर में जरूर बनाइएगा। और आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस रेसिपी को शेयर करिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज के अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए बाय।